हेलो क्लास, जैसा कि कल हम लोगों ने अलंकार पर चर्चा की थी कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या होता है, इसका भाषा में महत्व क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। आज हम लोग बात करेंगे शब्द अलंकार की। तो शब्द अलंकार का पहले हम लोग अर्थ समझे क्या होता है। शब्द अलंकार का अर्थ ये होता है जब शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी जब आप किसी काव्य को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं और शब्दों के द्वारा उसमें सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसमें विस्मय का भाव आता है, तो ये हमारा शब्द अलंकार कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यहाँ पर देखिए एक आपका दिया है वक्रोति अलंकार। शब्द अलंकार का एक भेद और होता है वक्रोति अलंकार, लेकिन इसको आपको पढ़ना नहीं है, आपको केवल तीन ही अलंकारों के बारे में जानना है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आइए समझते हैं कि अनुप्रास किसे कहते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना। यह आवृत्ति शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत कहीं भी हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें जब एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार आता है, बार बार उसका दोहराव होता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि उसका जब बार बार दोहराव होता है तो वहाँ पर आपका होता है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है, समान वर्णों की आवृत्ति के कारण कविता में जहाँ सौंदर्य, संगीत और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे हम लोग समझ जाएं कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। जैसे यहाँ देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, कौन सा अक्षर इसमें बार बार आ रहा है, च वर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपका दिया है, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए, किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, त वर्ण की, तो इससे समझ में आ रहा है कि अनुप्रास में जब कभी भी काव्य में एक ही अक्षर बार बार आता है तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। एक अनुप्रास अलंकार का एक और भेद होता है, उसे हम कहते हैं अंत्या अनुप्रास। तो अंत्या अनुप्रास में क्या होता है, यहाँ शब्दों के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे इसमें दिया है, विभव सालनी विश्व पालनी दुख हत्री है, भय निवारणी शक्ति का शांति कारणी सुख कत्री है, तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है अंत में, अण की और न की। तो अंत्या अनुप्रास क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें विश्व सालिनी विश्व पालिनी, विभव सालिनी विश्व पालिनी, भय निवारणी, तो यहाँ जो शब्द आया है विभव सालिनी और विश्व पालिनी, इसमें सबसे लास्ट में किसकी आवृत्ति हो रही है, नौ की, तो इसलिए यहाँ पर क्या है अंत्या। अंत्या का मतलब क्या होता है, अंत में आने वाला अक्षर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अंत्या अनुप्रास हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं यमक अलंकार किसे कहते हैं। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि जब एक शब्द दो बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। देखिए यहाँ पे परिभाषा दी है कि कविता की जिन पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग अर्थ देता है, यानी वो शब्द आएगा तो बार बार, पहले में आपके अनुप्रास अलंकार में क्या आता है, आपका अक्षर आता है, और यमक में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है मगर उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कनक कनक ते स्वगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जल ना वा पाए बौराय, तो यहाँ पे देखिए प्रथम कनक का अर्थ क्या दिया है, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या दिया है, सोना, यानी जब दोनों की अधिकता मानव के जीवन में ज़्यादा हो जाती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा हो जाती है तो वो व्यक्ति या तो खुशी से या नशे में क्या हो जाता है, बौरा जाता है, यानी कि पागल हो जाता है। तो यहाँ पे ये उदाहरण है, कनक कनक दोनों का क्या है, अर्थ अलग है, लेकिन इनको अगर आप बोलें तो बोलते समय इनका उच्चारण क्या है, सेम है। और अनुप्रास में क्या होता है, अक्षरों की आवृत्ति है, यमक में शब्दों की आवृत्ति है, और समझना क्या है कि इन दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण आपका दिया है, माला फेरा जुग भया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब देखिए इसमें मन का शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है, कई बार इसका दोहराव हुआ, लेकिन हर बार मन का अर्थ अलग है। इसमें एक मन का अर्थ आपका दिया है मन, क्योंकि मन हमारा चंचल होता है,
तो इसमें कहा गया है कि माला फेरा जुग भया फिरा न मन का फेर, यानी जब माला फेरी जाती है तो जो उसके मोती होते हैं उसको फेरता रहता है इंसान, मगर उसके मन का जो होता है, जो भ्रम होता है, वो टूटता नहीं है। तो दिया है कर का मन का डारी दे, यानी हाथ में जो तेरे मोतियों की माला है उसको क्या करे, डार दे यानी त्याग दे। मन का फेर यानी मन के अंदर जो तेरे उलझन मोतियां हैं, जो मन के उलझन की मोतियां हैं, उनको घुमाना शुरू कर, उन पे ध्यान देना शुरू कर, तो तेरा ये मोती घुमाना, तेरा ये माला फेरना सफल होगा। तो एक का अर्थ इसमें क्या हो गया, मन, और दूसरे का अर्थ क्या हो गया, आपका मोती। अब हम आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ दिया है रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानो चून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ आपका क्या दिया है, पानी का यहाँ पर दो अर्थ आपका निकल रहा है, इसमें छुपा हुआ है, इस पानी में अर्थ छुपा हुआ है। एक पानी का यहाँ पर देखिए अर्थ दिया है चमक, दूसरे का आपका दिया है सम्मान, और तीसरे का आपका क्या दिया है, चून। यानी इसमें एक साथ तीन अर्थ छुपे हुए हैं। देखिए तीन लोगों, तीन चीज़ों के साथ इस पानी की तुलना की गई है। पहला आपका क्या है, मोती, दूसरा मानुस, और तीसरा चून। तो मोती जब तक पानी में रहता तब तक उसकी चमक बरकरार रहती है। दूसरा मानुस के साथ इसकी तुलना की गई है, जब तक मनुष्य की आँखों में सम्मान होता है, लज्जा होती है, तब तक उसका सम्मान बना रहता है। और चून का मतलब जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय भी पानी की जरूरत होती है। तो देखिए एक शब्द यहाँ पर है लेकिन इसके तीन अर्थ हैं, या कभी कभी दो अर्थ भी छुपे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका श्लेष अलंकार। लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है, ये समझने वाली चीज़ है कि यमक अलंकार में आपका एक शब्द दो बार आता है और उनके अर्थ अलग होते हैं, परंतु श्लेष अलंकार में एक ही शब्द आएगा मगर उसके अर्थ क्या होंगे, अलग होंगे। ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त कर रहे हैं, कल हम लोग अर्थालंकार की बात करेंगे। थैंक यू।